नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं RRB, CBT 1, ALP और टेक्नीशियन की जो आंसर की आई है उसके आधार पर कट ऑफ कितना रहेगा स्टेज वन का जो क्वालिफाइंग रखा जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि CBT 2 के लिए जो छात्र क्वालिफाई करेंगे वो कितने होंगे लगभग, और वो सारी बातें तो इनमें देखते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि RRB CBT 1 के तहत जो क्वेश्चन पूछे गए वो 75 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों? 75 क्वेश्चन। और रेलवे ने एक बात यहाँ पर साफ की थी दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, वहाँ पर ये कहा गया था कि CBT 1 में न्यूनतम जो जनरल कैंडिडेट है उसको 40%, OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25% लाने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या था, एक मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था कि इतना तो आपको लाना ही होगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो जनरल का जो निर्धारित किया गया है 40%, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों 30 अंक लगभग ये बनते हैं आपके। और OBC और SC के लिए जो 30-30% निर्धारित किया गया है, तो आप देखते हैं कि लगभग ये बनते हैं आपके 22.5, जबकि ST के लिए जो 25% का क्राइटेरिया है ये बनते हैं लगभग 18.75 दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये सब क्या है, ये न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक जो RRB ने अर्न किए हैं अपने CBT 1 में, अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है, यानी इतने तो आपको न्यूनतम गेन करने ही करने होंगे। अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि जो आंसर की आई, जो अलग अलग कैंडिडेट ने बताया आंसर की चेक करने के बाद, ऑन एन एवरेज उसको एनालाइज़ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एवरेज जो मार्क्स रहे जो मैक्सिमम स्टूडेंट के, वो वहाँ पर रहे 35 से 45 के मध्य। जी हाँ दोस्तों, 35 से 45 के मध्य। फिर इससे लोवेस्ट भी आते चले गए। लेकिन अभी हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि जैसा कि रेलवे ने वैकेंसी इंक्रीज़ की है, तो 60,000 अप्रॉक्स वैकेंसी में आपको बताया गया कि 15 गुना जो CBT 2 में बुलाए जाएंगे, तो 15 गुना का मतलब दोस्तों ये हो गया कि लगभग 9 लाख लड़के, कितने दोस्तों, लगभग 9 लाख जो कैंडिडेट होंगे, 9 लाख जो कैंडिडेट होंगे दोस्तों वो क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए। क्योंकि आपको पता है CBT 2 जो निर्धारित हुआ है, तो CBT 2 के तहत भी 2 परीक्षाएं की जाएंगी। पहली जो परीक्षा होगी दोस्तों, उसमें उसी का मुख्य जो मार्क्स है वो जोड़ा जाएगा, जबकि दूसरी जो परीक्षा होगी वो क्वालिफाइंग प्रकार की होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बताया है दोस्तों आपके लिए बनाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल के लिए CBT 1 में 38 से 40 मार्क्स, OBC के लिए 32 से 35 मार्क्स और SC के लिए 31 से 33 मार्क, जबकि ST के लिए 28 से 30 मार्क्स रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर जारी किया है ये ऑन एन एवरेज एनालाइज़ करने के बाद दिया गया है, प्लस माइनस यहाँ से जा सकता है, लेकिन इसके ही आसपास कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अब आप लोग अपना कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक यहाँ पर, जिससे कि आपको एनालाइज़ करके बताया जा सके। लेकिन फ़िलहाल के लिए कि दोस्तों, यहाँ पर जनरल के लिए अगर आप 38 से 40 ऑन एन एवरेज प्लस माइनस में हैं 1, तो आप बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। OBC के लिए हैं तो 32 से 35 में सेफ़ हैं, SC के लिए हैं तो 31 से 33 में सेफ़ हैं और ST के लिए हैं तो 28 से 30 में सेफ़ हैं, यानी लगभग आपके इसके आसपास के मार्क्स आते हैं। तो आपको दोस्तों CBT 2 की तैयारी जो है वो बिल्कुल कर देनी चाहिए, आप करनी शुरू करनी चाहिए दोस्तों CBT 2 की तैयारी। और आपको हम बताते चले दोस्तों कि जो 9 लाख स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे, 9 लाख स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो CBT 1 है केवल और केवल क्वालिफाइंग टाइप का था, तो यहाँ पर केवल 9 लाख बच्चे जो आगे जाने के लिए हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। एक बात और खासकर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि कुछ YouTube चैनल आपको बता रहे हैं कि ALP और टेक्नीशियन की कट ऑफ अलग अलग जारी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ये क्वालिफाइंग है, इसमें कट ऑफ एक साथ ही बनेगी ALP और टेक्नीशियन की। अब उसके बाद आने वाली जो चीज़ें होंगी वो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा रेलवे के द्वारा, मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा और आप बताइएगा दोस्तों कि ये हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ आपको कैसी लगी।
या किस प्रकार से आप इस पर संतुष्ट हैं अपने कमेंट दीजिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।